हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन ए मुंडेवाड़ी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचकर्मा के बारे में। इसके कुछ पहले एक वीडियो में मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है बताया था, उसके अंदर ये बताया था आपको कि ट्रीटमेंट में मेडिसिन होती हैं जिसको शमन चिकित्सा बोलते हैं, शोधन ट्रीटमेंट होता है जिसमें पंचकर्म प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं, और फिर लास्ट में डाइटरी रिस्ट्रिक्शन जिसके अंदर डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे पंचकर्म का थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पंचकर्म क्या होता है? पंचकर्म का मतलब पांच कर्म, पांच प्रोसीजर्स। तो ये बेसिकली बॉडी में जो भी यानी आयुर्वेद के हिसाब से दोष वगैरह ज़्यादा जमते हैं और उसकी वजह से ट्रीटमेंट होता नहीं, क्योर होता नहीं है, तो बॉडी में प्योरिफिकेशन के हिसाब से इन पंचकर्म प्रोसीजर्स को इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला वाला जो प्रोसीजर है इसको बोलते हैं वमन। वमन यानी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, जिसको उल्टी कराना बोलते हैं। तो ये ज़्यादा करके जो कफ के प्रॉब्लम्स हैं, यानी बार बार सर्दी होना, दम लगना, बार बार एलर्जी की शिकायत रहना, स्किन रैश होना, खुजली होना, इस टाइप की बीमारियों में जो ये है वमन थेरेपी, या जिसको इंड्यूस्ड एमएसएस बोलते हैं, इंड्यूस्ड वॉमिटिंग बोलते हैं, इसको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है विरेचन थेरेपी। विरेचन थेरेपी यानी इंड्यूस्ड पर्गेशन या जुलाब देना जिसको बोलते हैं वैसे वो। तो ये ज़्यादा करके पित्त के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पित्त है, बहुत ज़्यादा जलन बार बार होती रहती है, ट्रीटमेंट लेने के बाद में भी एसिडिटी रहती है, या फिर इस पित्त के वजह से बॉडी में बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है और अलग अलग जगह पे फोड़ी उठती है, या इस तरह से इन्फ्लेमेशन बॉडी में बार बार रहता है, तो इस तरह के डिसऑर्डर्स में विरेचन ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो थर्ड जो है पंचकर्म, ये है नस्य। नस्य यानी जैसे नाक में ड्रॉप डालना जिसको बोलते हैं नेसल मेडिकेशन। ये तो आमतौर पे ज़्यादा करके जो बार बार एलर्जी की सर्दी होती है, या फिर सिर के कोई भी टाइप्स के डिजीज़ेस, सिर हमारे आयुर्वेद में कहते हैं कि नासा ही शिरसो द्वारम, यानी नाक जो है ये सिर के लिए एक द्वार है। तो इसके लिए सिर के जो भी बीमारियां हैं, हेडेक है, बार बार माइग्रेन हो रहा है, या फिर सिर दर्द हो रहा है, अनइजीनेस है, ड्राउजीनेस है, या फिर ब्लड प्रेशर है, टेंशन है, इस तरह के बीमारियों में नस्य ट्रीटमेंट यूज़ किया जा सकता है। नस्य के और बहुत सारे यूजेस भी हैं, तो जो यानी जैसे एक एक्सपीरियंस फिजिशियन उनकी उसका जो भी है इस्तेमाल सही जगह पे करता है। कोमैटोस पेशेंट्स के अंदर भी नस्य, तीव्र जो विरेचक नस्य जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हुआ थर्ड टाइप पंचकर्म का, जिसको नस्य बोलते हैं। चौथा है रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण यानी ब्लड निकालना। ब्लड निकालना जो है ये अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, यानी एक लीच थेरेपी जिसको जलों का उच्चारण बोलते हैं संस्कृत में, लीच थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सिरिन से वेन में से ब्लड निकाल सकते हैं। अब ये जो रक्तमोक्षण टाइप के जो ट्रीटमेंट है प्रोसीजर, ये अक्सर जो बीमारियां सब ट्रीटमेंट करके भी नहीं अच्छे हो रहे हैं, दूसरे पंचकर्म प्रोसीजर्स करके भी नहीं अच्छे हो रहे हैं, बॉडी के ऊपर बार बार फोड़ी आ रही है, या फिर तीव्र दाह जिसको एकदम ज़्यादा जलन दाह बॉडी में हो रही है, बार बार फीवर आ रहा है, इस तरह के प्रॉब्लम्स, या फिर सीवियर बर्निंग पेन हो रहा है और कोई भी मेडिसिन से सबसाइड नहीं हो रहा है, इस तरह के प्रॉब्लम्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। कभी कभी इमरजेंसीज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो गैंग्रीन टाइप की बीमारी होती है, जिसके अंदर कोई एक बॉडी का हिस्सा जैसे उंगली है, टोज है, ये सड़ जाते हैं और फिर उसको बाद में कट करना पड़ता है, तो ऐसे जगह पे लीच थेरेपी इस्तेमाल करके काफ़ी पेशेंट्स में एम्पिटेशन जो है यानी बॉडी का हिस्सा कट कर देना, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, और काफ़ी हद तक वो जो डैमेज्ड जो फिंगर है, टो है, उसको हील किया जा सकता है। तो इस तरह से रक्तमोक्षण काफ़ी एक यूज़फुल प्रोसीजर है, जो बहुत सारे इमरजेंसीज में भी अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। लास्ट पंचकर्म जो है वह बस्ती। बस्ती यानी मेडिकेटेड एनिमा। ये एनिमा के बारे में काफ़ी लोगों के दिमाग में कुछ गलत ये विचारधारा रहती है, या फिर कुछ गलत आइडियाज़ रहते हैं कि ये तो सिर्फ पेट साफ होने की दवा है, तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आप हमारी बीमारी में क्यों ये दे रहे हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि
एक्चुअली ये सिर्फ एनिमा का ही सवाल नहीं आता है, बस्ती का ही सवाल नहीं आता है, सभी पंचकर्म में एक थोड़ा सा देखा हूँ कि इंडिया के बाहर के लोग इसको जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसका प्रोसीजर बताने के बाद में, उसके यूजेस बताने के बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारे इंडियन पेशेंट्स काफ़ी उसका डिस्क्रिप्शन और उसके यूजेस और बेनिफिट्स बताने के बावजूद भी कन्विंस होते नहीं और रिफ्यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए, बोलते हैं बस आप हमको सिर्फ गोली दो, हम गोली खाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स हम देखते हैं, सीरियस पेशेंट्स हैं या फिर जो रिफ्रैक्टरी टाइप के पेशेंट्स हैं जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सब दवा देने के बाद में भी, तो ऐसे पेशेंट्स में आयुर्वेदिक दवा और पंचकर्म दे के फ़र्क पड़ता है। तो उस तरह से ये बस्ती चिकित्सा एक है। काफ़ी लोग एम्बेरसमेंट की वजह से, शर्म की वजह से इसको रिफ्यूज़ करते हैं, लेकिन जो मेडिकेटेड एनिमा या बस्ती है इसके बहुत सारे यूजेस हैं। नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स में, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, पैरालिसिस में इस्तेमाल होता है, पेट के सभी शिकायतें, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए तो उसका इस्तेमाल होता ही है, लेकिन आमतौर पर हम बहुत सारे दूसरे बीमारियों में भी इसका इसके अलग अलग टाइप्स है, बस्ती में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है, तो कौन सा कहाँ पर इस्तेमाल करना है वो हम देख के यूज़ करते हैं। तो जैसा क्रॉनिक आर्थराइटिस है, सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसके अंदर भी तिक्त क्षीर बस्ती करके एक टाइप के एनिमा है, मेडिकेटेड एनिमा, उसका इस्तेमाल करके काफ़ी रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिसके अंदर इसी तरह की बस्ती अगर दी जाए तो जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है वो रुक जाता है और पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के बाद पूरी बीमारी अच्छे से हो जाती है और फिर से दोबारा रिकरेंस नहीं होता है। तो इस तरह से ये जो पंचकर्म है ये एक 5 टाइप के प्रोसीजर्स हैं और ये इन सब का अलग अलग बीमारी में बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन और उसके साथ पंचकर्म प्रोसीजर्स और उसके साथ डाइट, इन तीनों का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे जो बीमारियाँ जो आज समझी जाती है कि लाइलाज है, अच्छे नहीं होते हैं, हम थक गए सब कर चुके, ऐसी बीमारियों में भी पंचकर्म का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स पूरे पूरे क्योर हो जाते हैं। तो ये हुआ पंचकर्म के बारे में डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं फिर से, गुड बाय।